वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद आरजे 08। मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा सितंबर मंथ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए है, जो 5 स्टॉक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लें। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते और हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरी चैनल ट्रेड विद आरजे 08 को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि क्या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो काफ़ी लोग फेक PLN बना रहे और अपने कोर्स बेच रहे। मैं अपना कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, ओके। मैं जस्ट एक अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि ट्रेडिंग से भी पैसे बन सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरा शॉर्ट्स भी वो देख सकते हो, जिसमें मैंने ट्रेडिंग के लिए अवेयरनेस के लिए जुम्बे स्टार्ट किए। और मैं आगे भी ऐसे अच्छे से शॉर्ट्स बनाऊँगा कि एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, ओके। चलो वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड। तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है, जिसमें वो उसका नाम है टाटा स्टील। आपको पता है टाटा नाम बहुत रेप्यूटेड कंपनी का है। उसकी प्राइस 127 चल रही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 120 रुपये, ओके। 5% के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको 135, 139 और 144 और 148 तक मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सितंबर और अक्टूबर तक मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 120, ओके। उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी, ओके। तो L&T टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। L&T टेक्नोलॉजी कहाँ गया, ये रहा। देखो L&T टेक्नोलॉजी है, उसमें देखो अभी रेट चल रहा है 4450 और उसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4300, ओके। इसी में सेम वैसा ही है, आपका स्टॉप लॉस है कुछ अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास और टारगेट रहेगा आपका कुछ 6% के आसपास, 6-7% के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। और फर्स्ट टारगेट 4525, फिर सेकेंड टारगेट है 4582 एंड थर्ड टारगेट है 4700 और लास्ट वाला जो टारगेट है 4757, ओके। दो स्टॉक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेरा तीसरा स्टॉक है, वो है ऑफ FSS, दैट मीन्स ओरिकल फाइनेंस सर्विसेज। मुझे फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा अभी इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें और भी तेज़ी हो सकती है। अब देखो मैंने ये एक्चुअली 2 वीक पहले मैंने ड्रॉ किया था। देखो अभी ऑलरेडी टारगेट तो हिट हो गया, क्योंकि मैं वीडियो एक्चुअली बना नहीं सका। तो देखो अभी ए के हैं, यहाँ में भी रिट्रेस हो सकता है, उसके बाद फिर से वो सी के लिए जा सकता है स्विंग के लिए, ओके। तो उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस कुछ 5% के आसपास है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज में। SL रहेगा 3900, टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट 4230, टारगेट सेकेंड रहेगा 4365 और लास्ट वाला टारगेट रहेगा 4500 रुपये। और स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है, अभी आप देख सकते हो 4136 चल रही है प्राइस। अभी मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। देखो भैया अभी मैं फ्रेंड्स अभी 2 सितंबर हुई है और मैं वीडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी शाम को, और ये स्टॉक है। अब उसके बाद मेरा जो 3 स्टॉक हमने डिस्कस कर दिए है, टाटा स्टील, L&T टेक्नोलॉजी एंड एक ओरेकल फाइनेंस, ओके। अब फोर्थ स्टॉक है मेरा पंजाब नेशनल बैंक। इसमें भी मुझे टारगेट अच्छे मिल सकते हैं ऐसा लग रहा है एज पर माय एनालिसिस एंड माय व्यू। देखो अभी स्टॉक प्राइस चल रही है 65.4, ओके। अभी इसमें ऐसे लगाना है 60 रुपीज, टारगेट रहेगी 68 रुपीज, सेकेंड टारगेट रहेगा 74 और उसका थर्ड टारगेट रहेगा 80 रुपीज। इसमें मेरी गलती हुई है, सॉरी मैं अभी चेंज कर रहा था, एक्चुअली थर्ड टारगेट है, ओके। टोटल 3 टारगेट मिलेगी। इसमें भी देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम फेवरेबल है, स्टॉप लॉस 7% का है और आपका टारगेट 21% है, ओके। मैंने टोटल 4 स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसके बाद मुझे जो 5 स्टॉक मुझे जो हाई पोटेंशियल लग रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि स्विंग में अच्छे हमें गेन मिल सकते हैं, वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। कहाँ गया, ये रहा। देखो जो मेरा 5th स्टॉक है, 4 स्टॉक हमने डिस्कशन कर लिए, ये मेरा
स्टॉक है। देखो स्टॉक की प्राइस चल रही है 315 रुपये, और आपको इसमें एसएल लगाना है 300 रुपये। टारगेट रहेगा 327, फिर 357, और उसका थर्ड टारगेट रहेगा 375। इसमें भी मैंने एक्चुअली गलती की है, सॉरी फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या, अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो सब थोड़ी बहुत गलती होती है। और ये पांच स्टॉक है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मैंने पोल की थी इंस्टाग्राम पे कि मैं कौन सा वीडियो लाऊं नेक्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आपने मुझे सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए आई थी, तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे पोजिशन लग रहा है कि मतलब अच्छे गेन मिल सकते हैं। तो आप सभी के साथ मैंने ये डिस्कस किया, जो फाइव स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किए जो हाई पोटेंशियल है। और आपको फिर से एक डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ओके, बट मे बी मैं विथ इन 2-3 महीने के अंदर मैं रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट है वो मैं ले लेने वाला हूँ, एक्चुअली उसके एग्जाम देके। ओके, तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और ऐसी अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पेज भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फॉलो के लिए। क्योंकि अभी आप सभी को पता है स्कैम्स बहुत चल रहा है शेयर मार्केट में, काफ़ी लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं, काफ़ी लोग अपने व्यूज़ मतलब उनकी मेन इनकम ट्रेडिंग है ही नहीं, एक्चुअली मेन इनकम उनकी मतलब एफिलिएट मार्केटिंग और रेफरल इनकम ज़्यादा है शेयर मार्केट से ज़्यादा। ओके, तो क्या है जेन्यून पर्सन अभी ढूंढना बहुत मुश्किल है। ओके, और मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी बार क्वेरी आई थी, काफ़ी जो मेरे फॉलोअर्स थे उसमें से काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझे टिप्स के लिए भी कहा था, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कोर्स के लिए बोला है। मैं कोर्स लाऊंगा फ्यूचर में, और मैं भी मैं फ्री में ही डालने वाला हूँ, मुझे कोई ऐसा, मैं शेयर मार्केट से अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे ऐसे कोर्स बेच के पैसे नहीं चाहिए फ्रेंड। ओके, और मैं दूसरों स्कैमर की तरह भी नहीं हूँ कि कोर्स बेचूँ और उससे ही मेरी कमाई हो। ओके, तो एज अ जेन्युइन पर्सन आप लोग, आप सभी को लोगों को जो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे और ज़्यादा मतलब मेरे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप मुझे हेल्प करिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो क्या जो रिटेलर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी कि शेयर मार्केट पे पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन फ्रेंड बनते हैं, लेकिन आप जब अच्छे और जेन्यून पर्सन को फॉलो करोगे तो पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनते, लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूँगा कि एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे बनते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ओके, बहुत कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ 5-6 महीने या 1 साल में ट्रेडर्स नहीं बनते, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें भी। ओके, और इस रिगार्डिंग में और भी अपने शॉर्ट्स है, रील्स वो बनाऊंगा इंस्टाग्राम पेज में, ताकि जो रिटेलर है उनको भी पता चले कि इसमें से पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना सकते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चलता हूँ, बाय बाय। मैं और एक और वीडियो लेके आऊँगा विथ इन 10 डेज के अंदर मे बी, और कुछ इंटरेस्टिंग ही होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।